जी नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर नाउ और मैं हूं बाकी यासिर। नाजरीन, आज हमने यही मुनासिब जाना कि हम आपको कोरोना वायरस के रिलेटेड ही कुछ इन्फॉर्मेशन दे। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्हीं पेशेंट्स के कॉन्टेक्ट है जिनको इनसे पहले पॉजिटिव पाया गया है। हमें ये मानना चाहिए कि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग फर्स्ट ट्रैक बेसिस पे चल रही है, जो हमारे लिए एक अच्छी बात है। जितना हमें हो सके कि हम कॉन्टेक्ट को ट्रेस करें, उतना ही हम इस वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोक सकते हैं। हालांकि हमें खुश होने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर हम खुश होने के बजाय एडवाइजरीज या प्रिकॉशंस पर अमल करें, वो जरूरी है। तो दूसरी बात मैं यहाँ पर रूरल एरिया की करने जा रहा हूँ। अक्सर ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि गांव देहात में लोग गवर्नमेंट ऑर्डर्स या गवर्नमेंट एडवाइजरीज पे अमल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए सिर्फ मेरी एक ही मैसेज है, अगर आप आज गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि अपनी फैमिली के साथ साथ सोसाइटी को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए हम आपको बार बार ये अपील कर रहे हैं कि आप बिला वजह घरों से बाहर ना आए। और हैरान कन बात तो यह है, जब भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी किसी गांव में जाती है, चाहे आप पुलिस की बात करें या आर्मी की बात करें या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो लोग वहां से सड़कों पे जो होते हैं, लोग वहां से भागते हैं। और फिर जब वहां से पुलिस या आर्मी वापस निकलती है तो फिर वो लोग सड़कों पर जमा होते हैं। तो उनको समझना यह जरूरी है कि कोरोना वायरस पुलिस के जाने के बाद, आर्मी के जाने के बाद भी आपको अटैक कर सकता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान बस यासिर के साथ कश्मीर नौ की पूरी टीम को इजाजत। अल्लाह हाफिज़।